या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीगोरिजी में। या दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि BTUP के द्वारा एक सेकेंड ईयर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक नया बुक मतलब कि लागू किया गया है, उस बुक के बारे में। अगर देखिए कि इस वीडियो में सबसे पहले कि पूरा उस बुक को जब तक समाप्त ना हो जाए उतनी वीडियो चलाता रहूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी उस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डालूं तो आपके मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन चला जाए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि देखिए, मैंने बताया कि BTEUP के द्वारा, BTEUP अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा एक बुक जो है कि सेकेंड ईयर के लिए लागू किया गया। किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए एक बुक लागू किया गया जो है कि वो भी सेकेंड ईयर में। किस सेमेस्टर के लिए? सेकेंड ईयर में दो सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, तो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लिए। फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक बुक लागू किया गया। वह जो सेमेस्टर था, सेकेंड ईयर तो है, फोर्थ सेमेस्टर भी है, ठीक है, लेकिन किस ब्रांच के लिए? तो ब्रांच सुन लीजिए दोस्तों, ब्रांच है मैकेनिकल, फिर है सिविल और है इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। इन चारों ब्रांच में वह बुक लगेगा और उस बुक का नाम है दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन, अर्थात एनर्जी कंजर्वेशन नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो BTUP बोर्ड के द्वारा सेकेंड ईयर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए, उसमें भी किस किस ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बुक नया लॉन्च किया गया, लागू किया गया न्यू सिलेबस के साथ। उस बुक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि पॉलिटेक्निक में इतनी सारी बुक होने के बावजूद भी एक नई बुक का लॉन्च करना क्या जरूरी था। एक तो पहले से खुद ही टेंशन था कितना बच्चों के ऊपर, तो ठीक है। तो इस बुक को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य था कि वो मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि एनर्जी कंजर्वेशन में केवल आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। इस बुक में 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में चाहे जितने वीडियो मुझे बनाने में लगे, मैं सारा वीडियो को बनाऊंगा और पूरे बुक को अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हम लोग बुक का एनर्जी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बुक के भी बारे में जान लें कि आखिर एनर्जी कंजर्वेशन कहना क्या चाहता है, ऊर्जा संरक्षण कहना क्या चाहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब कि ऊर्जा का बचाव, ऊर्जा का बचाव कैसे होगा। तो ऊर्जा का बचाव का मतलब कि ये चीज जान जाइएगा कि इसमें जो है वो आपका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, मतलब उत्पादन भी होना चाहिए, उस उत्पादन के द्वारा होने वाले क्वांटिटी मतलब कि संख्यात्मक मान, मतलब कि मात्राएं, 100 अगर उत्पादन कर रहे हैं तो 100 ही उत्पादन होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट है तो बेस्ट ही होना चाहिए, अर्थात क्वालिटी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन जो आप उसमें ऊर्जा लगा रहे थे उसकी खपत कम हो जाए, अर्थात कम खपत के साथ ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा अच्छाई वाला प्रोडक्ट उत्पाद करना ही एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है, अर्थात ऊर्जा का अच्छे रूप से क्या किया जाए, बचाया जाए। पहले क्या होता था कि पहले बड़ी वाली टीवी आती थी जो बैटरी पे चल नहीं पाती थी, चल पाती थी नहीं चल पाती थी, लेकिन आजकल की टीवियाँ आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी आ रही है टीवी, दीवार के पूरा बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि खूब लो वोल्टेज पे वो टीवी आसानी से चल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्वालिटी बढ़ा दिया गया, क्वालिटी बढ़ाया गया, क्वांटिटी बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया क्वांटिटी, बढ़ने के बाद उसमें होने वाली ऊर्जा की खपत को घटा दिया गया। देखिए कितनी अच्छी रहा, वो किसके द्वारा, इसी बुक के द्वारा। इसलिए यह बुक को बनाया गया ताकि आप सेकेंड ईयर से ही समझ सको कि एनर्जी को कैसे कम खर्च करके और अधिक से अधिक जो है कि प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है। तो
पता चल गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बराबर रखते हुए, मतलब कि उसमें कोई घटोतरी न किया जाए, उसके मान में कोई कमी न किया जाए और ऊर्जा के खपत के मान में कमी हो, अर्थात खर्चा कम करें और उतने बढ़िया और उतने ज़्यादा उत्पादन होके, यही एनर्जी कंजर्वेशन सिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम सब लोग इसमें बात करने वाले हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो इसमें हमने अभी बात की, कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में पहला चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूलभूत तत्व, ऊर्जा के मूलभूत तत्व। तो आइए उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। बेसिक ऑफ एनर्जी ऊर्जा के मूलभूत तत्व, तो उसमें भी सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करना है? तो सबसे पहले बात करना है दोस्तों एनर्जी के बारे में कि ऊर्जा क्या होता है। तो ये तो क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जो है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या कि जैसे हम हुए, अगर कोई छोटा एक और लड़का ले लिया जाए, दोनों लोगों से काम करने को कहा जाए कि आप अभी ये चीज को उठाइए वहाँ रख दीजिए, उस छोटे बच्चे से भी कहा जाए कि बाबू आप भी इस वस्तु को उठाओ वहाँ ले जाके रख दो। तो ये बताओ आप लोग, ये आप लोग ही बताओ कि इन दोनों लोगों में से कौन सा तेज काम करेगा? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा काम करेगा, ऐसा है कि नहीं है ना? तो कहा जाए कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, अर्थात जिसके पास कार्य करने की ज़्यादा क्षमता होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं है ना? अर्थात ये आप ही बताइए कि अगर कोई आपके पास बैठ के चिल्लाता है तो कहते हैं आप क्या कि ज़्यादा ऊर्जा होगी बका, ऐसा कुछ होता है? तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जान ही लिया आपकी क्या होता है, एक चीज़ कि ऊर्जा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश की विकसित और विकासशील होने में ज़्यादा मदद करता है। एनर्जी के द्वारा ही पता चलता है कोई देश कितना विकासशील है और कोई देश कितना विकसित हो चुका है। आप ही के गांव में पहले एक बाइक होती थी, आज 10-10, 5-5, 11-20-20 बाइक हो गई हैं, 50-50 बाइक हो गई हैं। क्यों? अब एक जब बाइक होती थी तो एक ही व्यक्ति जाता होगा पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने, तेल भरवा के चला आता होगा, तो ऊर्जा की खपत कम हुई, इसका मतलब विकास नहीं था। ध्यान से सोचिएगा, आज 50 मोटरसाइकिल हो गई, वो 50 मोटरसाइकिल पक्का है कि किसी न किसी पेट्रोल पंप से तेल भरवा के आती है, इसका मतलब आपके गांव का विकास हुआ। कैसे हुआ? तो वह 50 मोटरसाइकिल खरीदने में कुछ पैसा तो लगा होगा ना, बोले कि नहीं? तो वही है कि अगर ऊर्जा का खपत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि आपके देश का इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी तो पता चल ही गया कि एनर्जी क्या है। अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को रोक रोक के बनाते जाइएगा और जो या मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा टॉपिक है ऊर्जा का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। जो ये जो है वो एनर्जी 3 प्रकार का होता है। एनर्जी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का, चलिए बता रहे हैं। पहला जो है, पहले को हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, दूसरे को कहते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, तीसरे को कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पता चल गया एनर्जी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार का। पहला नंबर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरे नंबर को कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, और तीसरे नंबर को जो है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइमरी एनर्जी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी एनर्जी किसे कहते हैं, फिर कमर्शियल नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा का प्राइमरी एनर्जी क्या होता है, प्राइमरी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्राइमरी एनर्जी को
मतलब कि वो सभी ऊर्जाएं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, जो प्राकृति में उपलब्ध हो, जो जमीन के अंदर पृथ्वी के अंदर दबा हुआ हो, वर्षों से दबा चला आ रहा हो, उसको जो है कि प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। अर्थात वह ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा हो उसे प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूमि के अंदर दबा हुआ भूतापीय ऊर्जा, ये सब जितने भी ऊर्जाएं हैं सब किस में है? तो प्राइमरी एनर्जी में है। सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी क्या है? तो सेकेंडरी एनर्जी जो है वह ऊर्जा जो प्राइमरी ऊर्जा को बदल के उपयोग किया जा रहा हो, जैसे विद्युत ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा, ये सब जितनी मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब उन सब का प्रयोग करके ही प्राप्त किया जाएगा। तो ये सब जितनी भी है वो सेकेंडरी एनर्जी में चली आती है। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी दोनों पता चल गया, प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा। अब बात करते हैं कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो कमर्शियल एनर्जी जो है कि वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में आसानी से उचित मूल्य पर खरीदा जा सके, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में आसानी से उचित मूल्य पर खरीदा जा सके उसे कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। होता है गैस सिलेंडर में भी दो सिलेंडर होता है, एक कमर्शियल सिलेंडर होता है, एक घरेलू सिलेंडर होता है। घरेलू सिलेंडर छोटा वाला आता है और कमर्शियल सिलेंडर देखिएगा बड़ा वाला होता है, जो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। ठीक है, तो कमर्शियल एनर्जी पता चल गया क्या है, कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो उसे कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। जैसे तेल, गैस, लकड़ी, कोयला, विद्युत ऊर्जा। अब कहीं बाजार में कहाँ होगा, ये भी बाजार में होता है, तभी तो आप खरीद के लाते हो, मीटर लगवाते हो। तो ये सब जो भी है कौन सा एनर्जी है, कमर्शियल एनर्जी है। अब बात करते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में उपलब्ध न हो, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में किसी मूल्य पर उपलब्ध न हो उसे नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा आप सोच लो, जैसे में क्या हो सकता है, वीडियो ग्रुप को सोचो। तो जैसे में यह है दोस्तों कि गाय का गोबर, गाय का गोबर खरीदने से नहीं मिलता है, लकड़ी का, ऊख का, गन्ने का खोई, जिसको चिफुआ कहते हो आप, ठीक है, गाय का गोबर, गन्ने की खोई, मूंगफली का छिलका, ठीक है, लकड़ी का ऊपर का पपड़ी जिसको खोला कहते हैं, वो भी खरीदने से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है सब नॉन कमर्शियल एनर्जी, पता चला कुछ। अब रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल कब से क्लियर हो रहा होगा कि जिसके पास डीएल है, ड्राइवरी लाइसेंस है, वो जानता होगा कि रिन्यूअल किसको कहते हैं। वो जब उसकी वैलिडिटी समाप्त होती है ना तो कहा जाता है कि रिन्यूअल करवाने जाना, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक उसी प्रकार रिन्यूअल एनर्जी होती है। तो रिन्यूअल एनर्जी क्या होता है, तो वह ऊर्जा स्रोत जिसका चक्र के रूप में यूज कर सकें, बार बार यूज कर सकें, हजार बार यूज कर सके, उसे रिन्यूअल एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे, जैसे में क्या हो सकता है, तो जल ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा स्रोत, क्या जो झरनों से पानी को किसी टरबाइन के ब्लेड पे गिराया जाता है, तो जब टरबाइन की ब्लेड तेजी से घूमती है तो कौन सा एनर्जी मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा तो उस मैकेनिकल एनर्जी को डायनेमो लगाकर किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक ऊर्जा पाली हमने विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पाने के बाद क्या वो जो द्रव टकराया था टरबाइन के ब्लेड पे वो नष्ट हो गया, उड़ गया, उड़ गया क्या, ऐसा तो कुछ नहीं ना है। वह द्रव पुनः वापस नहरों के द्वारा किसी खेत में चला जाता है सिंचाई के लिए, उसको कोई जानवर पी लेता है अपने जीवन यापन के लिए। तो वही द्रव के द्वारा आपने विद्युत बनाया, उसी द्रव के द्वारा खेत की सिंचाई की गई, उसी द्रव के द्वारा कोई जानवर पी कर अपना जीवन यापन कर लिया, तो यह ऊर्जा, द्रव ऊर्जा क्या समाप्त हो गया, नहीं ना, वो एक चक्र से दूसरे चक्र में चलता रहा। तो ये कौन सी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, तो जल ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा आता है, तापीय ऊर्जा आता है, ये सब जितने भी ऊर्जा हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों कि इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं।
अर्थात वह ऊर्जा स्रोत जिसका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सके उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे कोयला, जो शादी ब्याह में कोयला आता है ना पत्थर वाला, उसका एक बार जलाइएगा दोबारा यूज नहीं हो पाएगा। पेट्रोल, कोई भी तेल जो आप गाड़ी में भरवाते हो, एक बार भरवा लोगे फिर दोबारा क्या वो रह जाएगा, उसे वैसे कहीं वैसे ही चल दोगे तो आप समाप्त हो जाएगा। लकड़ी, एक बार यूज करोगे समाप्त हो जाएगा। गैस, एक बार यूज करो समाप्त हो जाएगा। तो ये सब किस में आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऊर्जा का मतलब कि एनर्जी ऊर्जा का प्रकार। ठीक है, तो अगर आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो वैसे ही पूरे बुक का वीडियो मिलेगा, चाहे जितने वीडियो बन जाए मैं सारा वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा इसी अभी चैप्टर का, ये पार्ट वन है, पार्ट टू पढ़ाऊँगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। पहले चैप्टर से 10 नंबर अनिवार्य है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, फिर अन्य और भी इसमें कई कई टॉपिक हैं, सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।